असल आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर्स ऑन स्क्रीन मैं हूं नगीना शाहि नाजिम मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाज इस्तीफा दे गए हैं इस इस्तीफे ने सब तजिया नगारों को हैरान और परेशान कर दिया है इसके आखिर क्या हैं आज की इस इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्तीफे के पीछे असल कहानी क्या है और दूसरा आपको दो हज़ार चालीस तक का जो प्लान था उसको कैसे मसमार किया गया है बड़ी अहम पेश रफ्त है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे साथ मौजूद हैं रोजामा दिन के एडिटर और दिन टी वी के ब्यूरो चीफ मुमताज़ भट्टी साहब भट्टी साहब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसर ने रिजाइन कर दिया है अचानक से इस्तीफा आया आखिर क्योंकि इसके पीछे असल कहानी क्या है ये इस्तीफा जो आया है मुस्तबिल के चीफ जस्टिस का और अचानक आया है डेफिनेटली जस्टिस एजाजुल एहसन आज उनका इस्तीफा सामने आया कैसे ट्रिगर हुआ और ये सारे लोग जानना चाहते हैं और अभी तक कोई कहानी सामने नहीं आ रही एक बेसिक जो कैटलिस्ट बना वो आज जो चीफ जस्टिस के रिमार्क से और कुछ जजेस के जस्टिस वो जो मुजाहर अली नकवी थे उनके हवाले से कि वो चले भी गए हैं तो ट्रायल तो होगा देखा तो जाएगा कि क्या बना वो एक्चुअली उन्होंने ट्रायल शुरू होने के बाद इस्तीफ़ा दिया अब वहाँ से साफ जाहिर है कि अगर ट्रायल किसी और जज का भी शुरू हो जाता जो कि होने अभी और भी तो उसमें होना ये था कि ये भी इस्तीफ़ा देते तो जाहिर बात है फिर वो केस आगे चलता उसको देखा जाता एविडेंस तैयार था एविडेंस में बहुत सारी चीज़ें थी और कल एक बड़े सियाने बंदे ने ये बात की मुझसे कि जनाब फलाम बंदे का इस्तीफ़ा कबार है मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता और फ्रैंकली मुझे नहीं पता था तो मैंने कहा जी वो क्यों इस्तीफा देखो तो, तो बड़ा पीड़ा है और मतलब उनकी पूरी एक गेम प्लान है वो तो ऐसे नहीं जाएंगे उन्होंने कहा नहीं वो तो जाएंगे खैर आज वो इस्तीफ़ा आ गया बंदा से सी मतलब बंदा से मैं उसको कहता हूँ जो उदे पर नहीं बैठा होता और वैसे उसकी विजडम और अप्रोच और चीज़ों को समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है तो ये एक विस्परिंग थी कहीं ना कहीं और उसकी वजह क्या थी इसको ट्रिगर किसने किया ये जो जस्टिस फाजिसा साहब की चीफ जस्टिस की रिमार्क से आज के सुप्रीम जुडिशल कौंसल का जो इजलास था उसके हवाले से कि ये जो चले गए हैं जाय साहब इनका अभी चीज़ों को देखा जाएगा इनको यहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा मतलब बच के ना जाने पाए वाली सूरत हाल बन गई क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर ये आया था कि जो कुछ हासिल किया गया ये तो नहीं कि इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ तो वो बेसिकली अब जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब के हवाले से चीज़ें खुलने जा रही थी इन्होंने इसमें अफियत समझी कि इस इससे पहले कि मेरे वाले से भी एप्लीकेशन आ जाए या रेफरेंस आ जाए और फिर मुझे निकलने का मौका ना मिले तो ये निकल गए अब ये क्या वो इशू था देखिए एक तो बहुत बड़ा किस्सा है और वो किस्सा है वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू क्या है देखिए वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ने शार दस्तूर से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से निकाल दिया वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ने कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से जो है वो अच्छे खासे बंदे को दरबदर कर दिया अब ये कहानी क्या है बेसिकली देखिए होता यह है कि एक बिसमिल्ला टेक्सटाइल है फैसलाबाद में बिस्मिल्ला टेक्सटाइल है फैसलाबाद में उसके एक ऑनर है जी वो है शेख हफीज़ साहब बड़े तगड़े आदमी हैं पैसे वाले आदमी हैं यानी मतलब वन ऑफ द आप कह लें कि रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान और उनकी वो पाशा फैब्रिक्स भी उनकी है ये बिस्मिल्ला भी है और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद और वो एक वन कॉन्स्ट्टिट्यूशनल एवेन्यू पे ग्रैंड हयात जो है ना वो वो खड़ा करते हैं एक पूरा सेटअप और वो मुतनाज़ हो जाता है जी वो सी डी ए का उसके साथ तनाज़ा चल पड़ता है और इधर उधर से चल पड़ते हैं और नौ अरब का ये डिफ़ल्टर होता है सी डी ए का अब होता ये है कि इसका एक वकील होता है ग्रैंड ये जो वन कॉन्सटिट्यूशन एवेन्यू वाले साहब हैं इनका एक वकील था और वो वकील थे वकील इजाजुल एजाजल साहब और फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में आता है इधर उधर से घूमता हुआ हाई कोर्ट से फलां से फलां से काफ़ी अर्सा ये रुका भी रहता है और इसकी खूबसूरती क्या है ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है इसकी खूबसूरती क्या है इसमें इमरान के भी कमरे हैं मतलब फ्लैट हैं इमरान के दोस्तों के भी हैं कुछ इंतहाई ताकतवर शख्सियात के भी हैं जो आप ताकतवर नहीं रहीं उस वक़्त बहुत ताकतवर थी मतलब वो फिर आपको पता है ना कि वो गिफ्ट किए जाते हैं ना सर तु लो क्यों नहीं लेंदे हो सर ले लो अच्छा तो वो वो भी इसमें शामिल थे और फिर ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब तो हैं ही हैं अपने वो नून लीग वाले और बाकी जमातों के लोग भी हैं मतलब यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी खासी फिर ये प्रोजेक्ट रुक गया और फिर एक दिन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगता है और वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जो है उसका फ़ैसला उनके हक में आ जाता है और प्रोजेक्ट पास ऑन हो जाता है और वो क्या था वो वो बेंच किस पे मुश्तमिल था उसमें एक जस्टिस ब निसार साहब होते हैं और एक जस्टिस इजाजुल एजाजल साहब होते हैं ये वही एजाजुलहसन है जो उनके वकील रह चुके हुए थे नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के मामलों के अंदर जो भी बंदा आता है तो वो फिर आपको पता है कि वो जज अगर बन जाता है वकील तो कहता है यार मेरे तो वैसे तो ये नहीं भी होता लेकिन अक्सर जगहों पे ये होता है कि वो कहता है यार ये मैं इसका वकील रहा हूँ मैं ये केस नहीं सुनता अब तो खैर रवाज ही दूसरा है जी कि जजेस साहबान अपने ही चैम्बर के किसी और वकील को जो है वो रेफर कर देते हैं कि हूँ तू ओ को चला जा और ये ऐसे ही चलता रहेगा देखिए अगर आप कहें ना कि जस्टिस रियाजुल उलहसन के जाने से कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी निज़ाम वैसे ही चल रहा है इस निज़ाम को जोड़ने वाले भी वही हैं जो आज इसको मिसमार कर रहे हैं और अब जो नया निज़ाम जोड़ रहे हैं वो भी उसी उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जोड़ रहे हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ बाद लोगों को बात अच्छी नहीं लगती कल मुशर साहब ये देखें जजों का इम्तहान होना चाहिए ये जो सिक्योरिटी क्लियरस के नाम पे जो आईएसआई आई की रिकमेंडेशन होती हैं ना ये सारे उस पर आए हुए हैं पहले वह फैज हम साहब जो है वो क्लियर किया करते थे और हमें तो पता है ना कि किस किस के नाम पे ले दे हुई कि जनाब ऐत एन जैद एने रिश्तेदार अमेरिका के मुलाजम ने तो वो नहीं माना उसने किया ये फिर वही सारी खेप जो है चल रही है और ये अगले वाले जो हैं अब ये अपने वो पौधे लगा जाएंगे भले इनकी क्या एलिवेशन का तरीका क्या क्या है जजों का कोई इनकी वो देखी जाती है अपना काबिलियत को मुकाबले का इम्तहान होता है जहाँ से जिसको चाह उठा के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले आया कई सीनियर जो है वो पीछे रह गए उनको नहीं मौका मिला जिनकी लॉबिंग अच्छी नहीं हुई या जिनकी आईएसआई के साथ अच्छी ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ अगर इनको कोई मसला है ये इसको चैलेंज करें तो मैं उसको प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि ब्यूरोस बेरोक्रेस, ब्यूरोक्रेसी आपकी उसकी प्रमोशंस जो हैं वो आईएसआई आई की रिपोर्टों के ऊपर मतलब जिधे खिलाफ़ कर्न लियात लिख के आ गया चाहे वो पैसें वास्ते ही लिख गया वो अब प्रमोट नहीं होगा कर्न लियाकत जा चुका है मगर निज़ाम के अंदर कर्न लियाकत उसी तरह मौजूद है अल्लाह वास्तव है यार ये तरीका बेसिकली तरीका बदलने की ज़रूरत है वरना हर आने वाला कोई फैज़ उम्मीद जो है वो अपने टक 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 सिस्टम के अंदर इंडक्ट करता जाएगा और चलता बनेगा और फिर बाद में उनको सारा सिस्टम वो तबाह करेंगे आपके इंसाफ का और फिर वो इस्तीफे देने शुरू हो जाएंगे ये ही इस केस में हुआ है तो ये देखें बहुत सारी सॉलिड चीज़ें थीं इसके अलावा जो चीज़ें थी ना वो कुछ हवा में थी ये मेट्रियलाइज हुई चीज़ें थी मेट्रलाइज चीज़ें कैसी होती हैं कि जब माहौल बदलता है ना तो वो जो बहुत लाडले होते हैं ना ये बिज़नेसमैन या पैसे वाले लोग उनके जब यहाँ पर रखी जाती है ना जैसे वो मास्टर ट्रायल वाले के आईकल रखी हुई तो वो आप पे ही दस देते हैं कि सर वो एन जो ऐसी ऐसा ऐसी तो नहीं देना चाहते सर मगर फिर वो एन जनज हो गया सी ठीक है फिर मेरी मजबूरी बन गई थी तो वो तो सूखे पुके बच जाते ने तो ये सारा इसमें है जी और अब ये सारा ऐसे ही है और आगे भी ऐसे ही चलना है ये मैं आपको बता दूँ मैं इसके हवाले से कोई देखिए हमने मसीहा जाना किसको को जस्टिस इफ्तार चौधरी को और जो कुछ हुआ वो आपको पता है मतलब वो कैसा मसीहा था कि जिसका बेटा पैसे पकड़े जा रहा था और रिश्वत ले रहा था और फिर उसी को केस उसने क्लियर करवा दिया अब मुझे मसीहा मानते हुए जो है ना वो कम अज़ कम जजों में से बहुत डर लगता है कि जी मैं जस्टिस फाजी साहब के बारे में कह दूँ कि वो मसीहा है और अभी सारा कुछ ठीक कर देंगे और अपनी जुडिशरी को ठीक कर देंगे अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी कोई फहमी नहीं है ये चले गए हैं ये मुस्तबिल के चीफ जस्टिस थे और इनका एक पोलिटिकल अपना जो है वो अटैचमेंट का भी बैक ग्राउंड था जो उनके सारे फ़ैसले अब तक के वो आप देख लें इमरान न्याजी के हक में और फिर जिस तरह उन्होंने वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लगाया गया साकब निसार की तरफ से तो ये सारी कहानी हुई है जी बड़े बड़ी सॉलिड चीज़ें रख के जब बताया जाता है कि जनाब ये है तो फिर रास्ता निकलने के अलावा आपके पास कोई नहीं बचता जस्टिस एजाजल एहसन साहब अपने चंद महीने बाद यानी अगस्त में उन्होंने चीफ जस्टिस अगले में बन जाना था जी आ, अगले में क्या इसी में जनवरी तो आ गया तो वो अब अगस्त का इंतज़ार किए बगैर पहले जाना पड़ गया वो आपको पता है सात आठ महीने निकालने पड़े सात आठ दिन निकालने मुश्किल हो गए तो, तो, तो आठ महीने कहाँ निकलते अच्छा बड़ी साहब 2040 तक अदल के एवानों पर बादशाहत का जो प्लान था ये किसने बनाया था और आप क्या समझते हैं कि अब ये प्लान जो है वो पूरा हो पाएगा अच्छा 2040 वाला प्लान बड़ा मशहूर था जी और देखिए जो 2030 तक वाला प्लान था ना पहला प्लान वो था फिर दूसरा प्लान 2040 तक वाला दो दो हज़ार तीस वाला तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और वो आ, आ, अब तो खैर क्लियर हो गया जी कि क्या इमरान खान का प्लान था मैंने तो आपको बताया था उस वक़्त बताया था जब ये बना था और ये मेहरबानी शेख रशीद अहमद की थी कि उसने ज एक दिन जज्बात में आके जो है ना वो सारा कुछ बोल दिया कि जनाब पहले आई एस आई चीफ़ होंगे फैज़ हमीद साहब फिर जनरल बाजवा जब रिटायर होंगे तो इनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा तीन और तीन छः हो गए और जब आर्मी चीफ तीन साल वो गुजार लेंगे दूसरा इसी दौरान इलेक्शन करवाएंगे इमरान दोबारा वजे अजम बन जाएगा और फैज़ हमीद को एक एक्सटेंशन और दे देगा तो तीन वो तो तीन छः और तीन नौ कि अगले दस साल का जो प्लान था ना नी कि मुझे और इमरान को कोई नहीं छेड़ सकता शेख साहब का आजकल बेचारे टिकट के लिए मेहनत कर रहे हैं मिल नहीं रहा उनको सपोर्ट नहीं मिल रही पी की तो ये वो प्लान था दो तक वाला अब एक और प्लान था दो तक वाला और वो क्या था कि जी ये कैसे हो सकता है कि एग्जेक्टिव जो है वो अदल के एहवानों के बगैर चले तो इसके साथ साथ जो है ना उधर भी एडजस्टमेंट्स उसी तरीके से की गई और वो इस तरह से की गई जैसे अब आगे चल के जस्टिस फायदिशा साहब वाले वीर ये तो उन्होंने अपनी तरफ से माइनस ही कर गए थे ना सारे खोसा शोसा और उससे पहले वाले जस्टिस फाइजिस साहब ये तो बच गए जाते जाते बस वो रस्ाकशी अंदर शुरू हो गई और ये बचते आए वरना तो इनका सिस्टम इन्होंने तो चीफ जस्टिस बनना ही नहीं था इनको तो वो बड़े आसानी से आउट कर गए हुए थे आ, तो ये अब जब ये ये बन गए इनका जो छः महीने ये सात आठ महीने रहते हैं अब इशू ये है कि वो चालीस साल का जो सिस्टम था वो उसमें मशुमार होने जा रहे हैं वो कैसे देखे आ, इनके बाद आना था जस्टिस एजाज उहसन ने उन्होंने चीफ जस्टिस रहना था उनके बाद कुछ अर्से के लिए वो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने आना था अब उनको तीन साढ़े तीन साल मिल जाएंगे वरना तो उनको कुछ साल खांड मिलना था तो एजाजन की कंटिन्यूटी में नीचे जो है वो जाके मुनीब अख्तर साहब ने आ जाना था मुनीब अख्तर साहब की कंटिन्यूटी में आगे दरमियान में बीच में थोड़ा टेनवर या अफगिन साहब का आना था फिर वो जस्टिस आयशा साहबा ने आ जाना था और आप टू शायद जस्टिस शायद वहीद तक जो है ना ये एक चेंज चलनी थी और ये ऑलमोस्ट अगर आप उसमें जाएं ना सर्च करें डेट्स तो ये 2040 का प्लान ही बनता है दरमियान में दो जो है वो इधर उधर से आ जाने से क्योंकि उस वक़्त जो प्लान था उसमें तो जस्टिस फाजिशा साहब नहीं थे उनको तो माइनस किया जा रहा था तो बाकी प्लान एज़ पर रूल जो है वो 2040 तक चलना था अब इधर किसने होना था इमरान खान और जनाब वन एंड ओनली वन फैज़ मीद प्यूटन साहब और उधर किसने होना था उधर अपने जो है वो जो बनाए बसाई बिछाई हुई बसात थी उसने चल रहा होना था वही सीढ़ी चलनी थी दरमियान में एक दो आते वो क्या कर लेते बाकी सारे दूसरी तरफ होते तो अब हुआ ये कि पहले तो तलपट हुआ वो जो प्लान था तीस साल वाला और इनकी ख्वाहिशात ने और इनकी जो हवस थी एक ताकत की उसने ख़राब किया फिर सेकेंडली ये अब तलपट होने जा रहा है और इसके हवाले से आपको याद होगा कि थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया था अगर आपको याद हो कि जस्टिस फाइसा साहब के आने के बाद से और ये अगर आप उस वक्त के हमारी वो वीडियोस उठाएं कि यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी और अभी और होगी ये भी मैं आपको बता दूँ अभी कुछ और होगी वो सामने आपको नजर आ जाएगी जी मतलब आपको पता है फिर अदालत से तो बड़ा बच बचा के आपको बात करनी पड़ती है ना अगर मैं अभी आपको बता बता दूँ कि और किस किस के मामला खुलेंगे लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ और कहता हूं कि सिस्टम को बनना चाहिए ये जो अब अब फलाने खान आ गया है और फिर आइंदा खान आ जाएगा फिर आइंदा खान आ जाएगा और अपने अपने जाज लाई जाने ने ठीक नहीं आएगा ये ठीक नहीं हो सकता इसको ठीक करने के लिए जो है वो आपको बाकायदा कोई इनकी एलिवेशन का जो सिस्टम है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर वो आपको बेहतर बनाना होगा और उसको कोई शिफाफ बनाना होगा यार आप कॉन्स्टिट्यूशन के लोग लेकर कर आएँ अपना अपना बंदा नहीं लेकर आएँ और ये चैम्बरों के जो वो बना हुआ है सिलसिला ये भी ख़त्म होना चाहिए बाकायदा के मुकाबले का इम्तिहान होना चाहिए जिसमें वो पास करके आएँ ये जो तरीकाकार है ये सही नहीं है हैरानी है हो बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के ये सिर्फ जुडिशरी के सिस्टम को नहीं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को भी इन डेवलपमेंट से थोड़ी सी सस्टेनेबल अगर को बन सका मैं अगेन मैं आई एम डाउटफुल स्टिल डाउटफुल कि जी जिस तरह की डिवेलपमेंट्स हो रही हैं क्या आठ फरवरी जो है वो ट्रांसलेट होता है वो नज़र आता है वोट के अंदर या नहीं आता मैं इसके ऊपर अभी कन्फ्यूज़ हूँ लेकिन ये डिवेलपमेंट्स जो है वो अगर कोई सियासी निज़ाम मुल्क के अंदर बन सका तो उसको जो है ये इससे फ़ायदा होगा ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ आ, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं जैसे जजेज हैं या नहीं होती है, है फौज का दोनों तरफ ही बैन होनी चाहिए ये नहीं होनी चाहिए लोगों का राइट है वो किसको वोट देते हैं कौन आता है बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपने ऑडियंस को अपडेट किया नाजनी थी आज की अपडेटेड वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में दें